बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नाबदु यक नस्ते। तो गाइस कुछ माइक्रो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स से ठीक है। तो टेटनस में मेन जो है ना हिस्ट्री एक्सीडेंट की होती है, डेंटल एक्सट्रक्शन की होती है और स्पैज्म हो जाता है मसल का ना। बॉटुलिज्म में हिस्ट्री जो होते हैं ना वो कैन फूड जो होते हैं ना इसकी होती है, पैरालिसिस होता है। ई कोलाई में हमारे पास हिस्ट्री जो बर्गर खाया था जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो गया ना, ठीक है। तो इंटेरो हेमरेजिक स्टेन जो था ना वो चीका टॉक्सिन जो था ना वो हमारे पास होता है। फिर रूबेला में मेन हिस्ट्री जो था ना वो बच्चा पैदा हुआ उसको कटरेक्ट था और पेरेट थे, डॉक्टर आर्टरियोसिस का डायग्नोस। फ्लेरियासिस में मेन हिस्ट्री एलिफेंट लाइक एग होती है, अलग होती है। फिर कॉलरा में जो था ना वो स्टूल लाइक वाटर्स जो है ना वो हमारे पास सारे के सारे होते हैं। यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट में पेन होती के खाने के बाद, एपिगेस्टियम में ठीक है ना खाने से रिलीव हो जाती है, ठीक है। फिर एच पायलोरी होते हैं, फिर सूडोमोनास कोलाइटिस होते थे, ठीक है। फिर स्टेपोरियस टॉक्सिन होता है, कोलोन कैंसर के बाद एंडोकार्डाइटिस हो गया ना, तो इसकी वजह स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है सारे का सारा। फिर ब्लडी स्पूटम है ना तो वेट लॉस है, तो नाइट स्वेट में हमारे पास टीबी की है। ब्लडी स्पूटम नो वेट लॉस नो नाइट स्वेट हाई ग्रेड फीवर में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है ना वो सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा। फिर एग्लूटिनेशन हो गई है, आरबीसी की हीमोलिसिस और निमोनिया में हमारे पास माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। हमारे पास फिर क्लैमाइडिया का हो जाता है, ठीक है। हमारे पास फिर बच्चा पैदा हुआ है प्रूडेंट डिस्चार्ज से आया, ठीक है। तो आई रेड हुई है ना तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये निजेरिया गनोरी हो जाता है सारे का सारा। फिर TB4 जो TB विद लो CD4 काउंट है ना तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये माइकोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स सारे का सारा हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एग्लूटिनेशन होगी आरबीसीज की, हीमोलिसिस है तो निमोनिया भी है बंदे को, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है तो माइकोप्लाज्मा है ना, ठीक है। बंदे को कंजक्टिवाइटिस है, आर्थराइटिस है कि मेन जॉइंट का इन्फ्लेमेशन और पेन है, तो इसे क्लैमाइडिया के अंदर रखेंगे। फिर हमारे पास बच्चा पैदा हुआ है प्रूडेंट डिस्चार्ज है आई से तो निजेरिया गनोरी के TB का लो माइकोबैक्टीरियम एवियम जाना उसके मारे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया है, कैटराइटिस हो गया, ठीक है। कॉर्नियल इन्फ्लामेशन की वजह से तो एकेंथ अमीबा जो होता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, डायबिटिक है, IV ड्रग जो है ना अब्यूज़र है, ठीक है। तो वेंटिलेटर पे है, इस बंदे को नमूनिया हो गया तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सूडोमोनास है। एक्सरे करवाया है नेक का, थंब साइन आ गया ना, ठीक है। एपिग्लॉटिस बड़ी रेड थी और बंदे को एयर इन्फेक्शन भी था ना, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ना वो सारे का सारा हो जाता है। फिर हमारे पास बर्ड रखने के शौक़ में क्लैमाइडिया पे पिस्टेकिया ही होता है ना वो सारे का सारा होता है। फिर हमारे पास पीयर पैचेस के बारे में आ जाता है ना, वेन लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया हो गया, फीवर है, ब्लड स्टूल है, एग्जामिनेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन है ना, तो कोलाइटिस सारे का सारा हमारे पास हो जाएगा।